तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, अब हम उन सबको एक बार मिक्स करके उनको हम नीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यस, हमने फ्लावर भी यूज़ किया है क्योंकि डोनट्स का जो बेसिक जो बेस इंग्रेडिएंट है वो फ्लावर है, और इसके बाद यीस्ट है, क्योंकि यीस्ट उसको क्या करता है, उसको पफी होने में मदद करता है, और उसके अंदर क्या होता है, हम दूध इसलिए डालते हैं ताकि डोनट सॉफ्ट रहें, और हम शुगर और सॉल्ट इसलिए डालते हैं ताकि उसका टेस्ट अच्छा सा आए। देखा, अपनी फ्लावर डालती हूँ साथ के साथ। चल Can you smell the donuts? जी एंड फोक्स, एज यू कैन सी द डोनट्स बैटर इज स्मेलिंग मार्वेलस। आई कांट वेट टू टेस्ट देम। You can spread that tutti. Oh, that's a shirt. So as you can see, कि हम जो हमने डो बनाई है, ये हमारी almost ready है. So we need it a bit more stiff. So for that we can add little flour. Now as you can see the dough is ready. So we have to place this dough aside so it can get doubled in size. Shweta, can you get me a plate or something? Oh, I can use this please. So we need to place this to a side to get proofed.
ओके सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग शुगर सिरप। तो ये इसलिए होता है जब हम डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं तो टू मेक देम स्वीटर, तो हम उनको डोनट्स को इसके अंदर एक स्लाइड से डिप देते हैं और उसको फिर हम एक साइड पे रख देते हैं। जब वो ड्राई होते हैं फिर हम उसके ऊपर चॉकलेट पे कोट करते हैं। तो अब हमने डो को जो है वो डो जो है वो 1 आवर जो है वो उसके लिए जो है वो हमने उसको प्रूफ कर लिया था। अब हमने उसको थोड़ा सा फ्लावर काउंटर पे डस्ट करके उसके ऊपर इस तरह उसको रोलिंग पिन से जो है वो एक बड़ा सा पिज्ज़ा डो की तरह जो है वो उसको हमने स्प्रेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कप लेकर और इस तरह का कोई लेकर, सो अब हम यहाँ पर इस तरह की शेप्स को इसमें से कट कर लेंगे। Oh my God, it looks start looking tempting. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि डोनट्स को एक प्रॉपर शेप में कट कर रहे हैं और साथ उस तरफ हम ट्रे में उसको प्लेस कर रहे हैं। तो हम ये जो लेफ्ट ओवर बचे हुए स्पैच में से हम उसके भी दोबारा उसको रोल करके और डोनट्स रेडी कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने डोनट्स को गरम गरम ऑयल में ऐसे डिप कर देंगे फ्राइंग के लिए ऐसे ऐसे 3 hours। तो जैसे आप सब देख रहे हैं हमने इनको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, जो एटलीस्ट एक बैच जो है वो 5 मिनट्स के अंदर अंदर मिनिमम 3 मिनट्स तक हम मैक्सिमम 4-5 मिनट्स तक जो है वो एक डोनट फ्राई हो जाता है। ओके एंड यू कैन डेकोरेट इट एनी हाउ यू वांट विद चॉकलेट एंड स्प्रिंकल्स एंड एनीथिंग। ओके now you can make your own donut. Please don't forget to like, subscribe and share.